नमस्कार, मैं शिवशंकर महतो निवर्तमान वार्ड पार्षद 45 की ओर से सभी मुजफ्फरवासियों को और हमारे वार्ड संख्या 45 की समस्त जनता को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुकेश चौरसिया आपको लेकर आ गया हूं लोक आस्था के महापर्व छठ के घाटों के निरीक्षण में। और अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले के सबसे खूबसूरत घाट पर हैं और ये आप देखिए, जैसे ही हमारा कैमरा घूमेगा आप सच में कहेंगे कि सच में ये खूबसूरत घाट है। मुजफ्फरपुर का आश्रम घाट, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस घाट को बनाया गया है और पूरी तरह से ये तैयार हो चुका है। तो इस बार छठ व्रतियों के लिए ये एक उपहार स्वरूप होगा। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत इस घाट का निर्माण किया गया है और बहुत ही खूबसूरत घाट बनाया गया है। यहाँ व्यवस्था भी अभी ठीक ठाक है और मिट्टी कटाई का काम किया जा रहा है। जो मिट्टी दलदल है उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। एक दिन का वक्त है, 24 घंटे और हैं पहले तैयारी पूरी हो जाएगी। साफ़ सुथरा घाट और बहुत ही ज़्यादा जगह वाला घाट और यहाँ पर दलदल जैसी कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी। और ये लंबा चौड़ा घाट देखिए कि वहाँ तक जाता है, ये आश्रम घाट है और ये अखाड़ा घाट के बाद ये आश्रम घाट का छोर शुरू होता है। और यहाँ से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर देखिए कि बहुत सुंदर कलाकृति का निर्माण करवाया गया है और इस बार छठ व्रती इसका आनंद उठा पाएंगे, लुत्फ उठा पाएंगे। छठ घाट पूरी तरह से निर्माण कर दिया गया है और जो नीचे नदी के किनारे के घाट हैं उसको बनाने का कार्य किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर का सबसे खूबसूरत घाट आप इसे कह सकते हैं। तो घाट बन गया है पूरा? हाँ, घाट बन गया है। हाँ, तैयारी कंप्लीट, पूर्ण घाट तैयार है सूर्य मंदिर का। हाँ, ये सबसे खूबसूरत घाट माना जाता है। हाँ, टोटल मुजफ्फरपुर में जितना घाट है उससे सूर्य मंदिर घाट, टुनटुन बाबा बोल रहे हैं यह घाट सबसे फेमस में है, एक नंबर में है। ऐसा घाट एक भी मुजफ्फरपुर में नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ ये नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट है। मोदी जी यह सब मोदी जी का देन है और सुरेश शर्मा का कर्म है, इसलिए यह जगह को सुरेश शर्मा जी ने ही नींव दिए थे। भगवान की कृपा, मोदी जी के फंड से यह धर्म बना है और ऐसा कोई भी घाट नहीं है जो सूर्य मंदिर ऐसा घाट है। बिल्कुल, इस घाट को देखिए, ये घाट बहुत ही, और ये लगता नहीं है कि मुजफ्फरपुर का है, ये लगता है कि बाहर में हम लोग किसी व्यवस्थित दिल्ली उल्ली में। हाँ, इधर घाट बहुत अच्छा बन गया है। घाट पहले ऐसा नहीं था, अब जो सुरक्षित हो गया, बहुत पहले बहुत नाम हो गया घाट का। सूर्य मंदिर शब्द बोलिए, सूर्य मंदिर घाट है। यहाँ सूर्य भगवान का ही स्थापना है, यहाँ राम दरबार है, भोलेनाथ है, हनुमान जी हैं, माता दुर्गा हैं और तीन मंदिर का निर्माण अभी नहीं हो चुका है। भगवान सूर्य नारायण को प्रतिमा रखा हुआ है और माघ में होने वाला है, इसलिए इसका नाम सूर्य मंदिर घाट है, इससे पूरा आश्रम घाट हुआ। अच्छा, ये सूर्य मंदिर भी है यहाँ? सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर का नाम से यह मंदिर, यह जगह है, यह घाट जो है सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर घाट। और ये नया घाट है, बहुत खूबसूरत घाट है, मुजफ्फरपुर का सबसे सुंदर घाट आप इसे कह सकते हैं, सूर्य मंदिर घाट। और चारों तरफ से बाउंड्री की हुई है, व्यवस्था है, डाले आएंगे, दौरा आएगा, वो सब यहाँ पर रखा रहेगा, यहाँ पर रखा जाएगा। और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से देखिए, नीचे में पूरा फ्लोरिंग किया हुआ है और बहुत सुंदर घाट का निर्माण किया गया इस मुजफ्फरपुर और इस इलाके के लिए। ये वरदान साबित होगा ये घाट, और बहुत ही सुंदर घाट। मुजफ्फरपुर के घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, सिकंदरपुर, अखाड़ा घाट और ये सूर्य मंदिर आश्रम घाट जो कि हम आपको दिखा रहे थे। और ये बहुत ही खूबसूरत घाट, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, परसों संध्या अर्ध्य है और छठ व्रती जितने भी होंगे। हालांकि ये शहरी इलाके के मुख्य तीन घाट हैं जो कि शहर के छठ व्रती यहां पर आते हैं और छठ व्रत करते हैं। तो बिहार लाइव नाउ न्यूज़ आप लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। और बिहार लाइव नाउ न्यूज़ हमारा नया पेज है, इसे भी फॉलो करें, जितना प्यार आपने बिहार लाइव नाउ को दिया है बिहार लाइव नाउ न्यूज़ को भी दें। और
बने रहें सारी खबरों के लिए। नमस्कार, मैं अंजू कुमारी निवर्तमान वार्ड पार्षद वार्ड 15 के सभी सम्मानित जनता को मैं प्रणाम करती हूँ। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देते हुए भैया दूज, गोवर्धन पूजा, छठ माता से यही विनती करेंगे कि मेरे वार्ड 15 के सभी सम्मानित जनता को पूरा आशीर्वाद मिले, माँ छठ की कृपा बना रहे, यही साथ के शुभकामना दे रही हूँ कि मेरे वार्ड 15 के सभी सम्मानित जनता खुश रहे, साथ में मैं भी खुश रहूँ, माता छठ की कृपा हम सब पर सदा बना रहे। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहां आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।